नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। राज्य में कई समस्याओं के साथ अब कूड़े की समस्या भी सामने आने लगी है। ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि काफी समय से ये परेशानी हमारे सामने खड़ी है। देखिए, कूड़े से कई तरह की परेशानियां हो सकती है। घरों के आसपास हो तो गंदी स्मेल आती है, इससे वातावरण भी दूषित होता है। ये कूड़ा सड़कों तक आ जाए तो आने जाने में भी दिक्कत होने लगती है। अब कूड़ा भी कई तरह के होते हैं, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा साथ में जमा करके फेंकते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा गंदगी फैल जाती है, बदबू आने लगती है, कई तरह की बीमारियों का खतरा बन जाता है। ऐसे में लोगों को कूड़े के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी हो गया है। इसी कड़ी में आज नैनीताल नगर निगम के ईओ आलोक उनियाल, पूजा समेत टैक्स सुपरिटेंडेंट के साथ मिलकर नगर पालिका के प्राइमरी स्कूल, जो कि नैनीताल के मॉल रोड में स्थित है, वहां जाकर छोटे छोटे बच्चों को कूड़े के बारे में जानकारी दी गई। कितने प्रकार के कूड़े होते हैं और किस तरह से इनका अलग अलग तरीके से निपटान किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। जैसे कि आप सभी को विदित है कि ये नगर पालिका द्वारा संचालित स्कूल है। आज हमने यहाँ का एक विजिट कराया था, साथ में हमने जो है आज यहाँ की सफाई व्यवस्था का जो है हमारे द्वारा एक निरीक्षण किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा कूड़े के खिलाफ जो है एक जंग, जो है एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें हमारी नगर की जो महिला स्वयं सहायता समूह है इनका भी सहयोग प्राप्त किया गया है। साथ ही हम नगर के विभिन्न स्थानों में, सार्वजनिक स्थान या स्कूल या कॉलेजेस में जाकर जो है सभी से, जनता से जो है, यहाँ की लोकल जनता उनसे एक अपील कर रहे हैं कि जो है अपने शहर के कूड़े को जो है अलग अलग पृथकीकरण करना बहुत अनिवार्य है, जिससे हमारा शहर जो है गार्बेज फ्री सिटी के रूप में आगे बढ़े और हम इस नैनीताल शहर को गार्बेज फ्री कर पाए। और मुझे हमें जो ये लगता है कि जो बच्चे जो हैं इसका एक उचित माध्यम होते हैं, बच्चों के माध्यम से जो है इस मैसेज को बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके नेचर में, उनके आचार व्यवहार में इस स्वच्छता को डालना बहुत ज़रूरी है। और ये एक प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए स्वच्छता के रिगार्डिंग, कूड़े के रिगार्डिंग, कूड़ा क्या है, कूड़ा कब जाके समस्या बन जाता है, इसका निस्तारण कैसे करना है, हमारे लिए सफाई क्यों ज़रूरी है, तो ये बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी नैनीताल से आपके लिए हमारे सहयोगी अरुण कुमार शाह की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।